पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी अस्पताल का दौरा कर 3 साल की बच्ची अदीबा का हाल जाना। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले किश्तवाड़ में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में इस बच्ची का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अन्य घायलों को भी मिले और उनका हाल चाल जाना। लगता है एक आध दिन में उसको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके आने वाले समय में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी आर्थिक और दूसरे सहयोग की दृष्टि से, उसको लेकर के भी आज चर्चा हुई है और एक निरंतर प्रक्रिया रहेगी बच्ची के लिए आने वाले वर्षों आने वाले समय। कश्मीर घाटी के दक्षिण कश्मीर के द्रब गांव पुलवामा में जानकारी मिलने पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाया हुआ है। खुफिया सूचना मिलने पर तड़के सुबह सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया। रोहित शर्मा 103 और केएल राहुल 111 के शानदार शतकों के बूते भारत ने श्रीलंका पर 7 विकेट से विशाल जीत दर्ज की। लीड्स के हिडिंगले स्टेडियम में हुए इस मैच में टॉस जीतकर श्रीलंका ने भारत के सामने 265 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम ने आसानी से 39 गेंद शेष रहते 43.3 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया। खुफिया जानकारी मिली है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के काडर भारत पाकिस्तान की सीमा छोड़कर अफगानिस्तान की सीमा में शिफ्ट हो गए हैं। इसके कारण भारत के राजनयिक मिशन और कार्यालय को हाई अलर्ट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल जैसे दक्षिणी राज्यों को एक दिन पार्टी का गढ़ बनाने की दिशा में काम करने के लिए कहा। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पहले कर्नाटक में सरकार बनाई थी, फिर भी हमें कहा जाता है कि भाजपा दक्षिण में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इतना कहना चाहता हूं कि चाहे तेलंगाना हो, आंध्र हो या केरल हो, इन तीनों राज्यों को किसी दिन भाजपा का गढ़ बनाना होगा। कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस जनता दल एस गठबंधन के 13 विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपने से राज्य में मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी के नेतृत्व वाली महज साल भर पुरानी सरकार खतरे में पड़ गई है। इधर इस सियासी संकट को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर गठबंधन सरकार को स्थिर करने और उसके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा को कर्नाटक में चुनी हुई सरकार हजम नहीं हो रही है। भाजपा विधायकों को खरीदकर कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार को अस्थिर करना चाहती है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के 4 सप्ताह में नशा खत्म करने का दावा जमीनी स्तर पर 113 सप्ताह बाद भी कागजी ही साबित हुआ। नशा बिक रहा है, ओवरडोज से युवा मर रहे हैं। सवाल ये है कि ये आखिर नशा पहुंचता कैसे है और इसकी रीढ़ क्यों नहीं टूट पा रही। जो भी कारण सामने आ रहे हैं वो सीधे सीधे पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हैं। विश्व पटल पर आतंकवाद में घिरने के बाद अब पाकिस्तान नशे के जरिए भारत को खोखला करना चाहता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने व्यापन पीईबी के पुनर्गठन की तैयारी कर ली है। राज्य में व्यापन की जगह राज्य कर्मचारी आयोग बनाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है, जिसके चलते शिक्षकों की 18,000 भर्ती अटकी हुई है। महेंद्र सिंह धोनी के शानदार करियर की प्रशंसा करते हुए आईसीसी ने पूर्व कप्तान की उपलब्धियों को साझा करके उन्हें भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदलने वाला करार दिया। रविवार को अपना 38वां जन्मदिन मनाने वाले धोनी क्रिकेट के तीनों वैश्विक खिताब जीतने वाले इकलौते कप्तान है। उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 में T20 विश्व कप, 2011 में एक दिवसीय विश्व कप और 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था।